हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट अवेटेड बीएचयू एमएससी जियो फिजिक्स का सलूशन, जो कि ईयर 2016 का है और ये पार्ट वन है। इसमें मैं प्रॉब्लम 76 से लेकर 100 प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा। डैट मीन्स 25 प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी मेरे पे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ अब एक बार आप प्ले लिस्ट को विजिट कर लीजिए, जहाँ पे आपको बीएचयू एमएससी फिजिक्स जियो फिजिक्स जेएनयू और डीयू के सोल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन पार्टिकल इन इट्स ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट इज 36 माइक्रो सेकेंड। इट्स हाफ लाइफ फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 0.8 सी विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल विल बी। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, इसको आपको ध्यान देना होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये रिलेटिविटी का क्वेश्चन है। सिंपल सा फार्मूला आप लगा दीजिए। ये हमें दिया हुआ है टी नॉट की वैल्यू दी है, प्रॉपर टाइम इंटरवल, ठीक है, और वेलोसिटी दी हुई है हमें और टी की वैल्यू पूछा है। तो टाइम डायलेशन का फार्मूला लगाइए। ये क्या होता है आपका, टी इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो सिंपली जो वैल्यू दी हुई उसको रख दीजिए, ये है 36 माइक्रो सेकेंड। ये हो जाएगा आपका अपन वन माइनस वी की वैल्यू है 0.8 सी बाई सी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आपको कितना मिलेगा करके देख लीजिएगा। ये आएगा 60 माइक्रो सेकेंड, जो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पेस शिप लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ एट द स्पीड ऑफ 0.56, फायर ऑन इट्स नोज ए रॉकेट विच ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 0.5 सी रिलेटिव टू द स्पेस शिप। द स्पीड ऑफ द रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ विल बी, इसमें वेलोसिटी रिलेशन का फार्मूला लगा दीजिए, यू एक्स डैश विल बी इक्वल टू यू एक्स प्लस वी अपॉन वन प्लस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर। दोनों की वैल्यू 0.5 से दी हुई है तो आप सिंपली दोनों की वैल्यू 0.5 से यहाँ पे रख दीजिए और इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे आ रहा है वो आएगा 0.8 सी। तो यहाँ पे 0.8 सी हमें दिख रहा है ऑप्शन बी में, इसको टिक कर लीजिए और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए सर्टेन पार्टिकल इन मोशन हैज़ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, सिंपल सिंपल जो रिलेटिविटी क्वेश्चन है लगातार तीन पूछे गए हैं, मतलब 9 मार्क्स आपके फ्री के हैं। ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ लेकिन फिर से मैं करा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी, मतलब ई के इक्वल टू ई आर गिवन दें, के फॉर काइनेटिक एनर्जी, आर फॉर रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर होता है, और रेस्ट मास एनर्जी का फार्मूला होता है आपका एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट सी स्क्वायर को इधर भेज दी तो ये हो जाएगा आपका एम सी स्क्वायर इक्वल टू टू एम नॉट सी स्क्वायर, राइट। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए, एम के वैल्यू रख दी तो एम की वैल्यू होती है एम अपॉन एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम नॉट। यहाँ से एम नॉट कैंसिल करा दीजिए और इसको स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा वन बाई फोर इज विल बी इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइड डेट बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन माइनस वन बाई फोर, डेट मीन्स थ्री बाई फोर। बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू इंटू सी। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू आएगी 0.866 सी। यहाँ पे जो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज वी नॉट। एस्केप वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वी नॉट दी हुई है। देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अनदर प्लेनेट हुज मास इज ट्वाइस, यहाँ पे मास जो है टू टाइम्स है डेट ऑफ द अर्थ एंड रेडियस इज हाफ, और रेडियस क्या है अर्थ की हाफ है। सिंपली एस्केप वेलोसिटी का हमें फार्मूला पता है, वी नॉट जो होता है वो कितना होता है अंडर रूट जी एम बाई आर के इक्वल होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए। गिवन क्या है कि जो एम डैश है वो किसके है टू एम के इक्वल है, और आर डैश जो है वो आर बाई टू के इक्वल है। तो जो वी नॉट डैश हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, जी अंडर रूट टू एम अपॉन आर बाई टू के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका सॉरी ये जो फार्मूला होता है अंडर रूट टू जी एम बाई आर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपको हो जाएगा करके देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं ये आर ये टू ऊपर जाएगा फोर जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू बाहर निकल के आ जाएगा अंडर रूट टू जी एम बाई आर, और ये अंडर रूट टू जी एम बाई आर किसके इक्वल है बी नॉट के इक्वल है, तो ये कितना आ जाएगा टू बी नॉट, जो ऑप्शन बी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इमेजिन अ लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ वेरी मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी। इफ टी स्क्वायर इज प्रपोजल टू आर टू पावर सेवन बाई टू देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार इज प्रपोजल टू। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जनरली आईआईटी में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो हमें पता है जो सेंटीपीटर फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होता है।
वी की वैल्यू क्या होती है, आर ओमेगा होती है, तो इसको चेंज कर ली तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, डैट मीन्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू कितनी आती है, 2π/T होती है, तो ये पुट कर दें यहाँ पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी एम आर 4π² / T² राइट। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 4π² mR/T² और टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल, आर टू पावर 7/2 के प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर रख दीजिए 4π² m 1/r² 7/2 × r। इसको नेक्स्ट स्टेप में ऊपर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा 4π² m r² -5/2, डैट मीन्स एफ इज प्रपोजनल टू आर टू पावर -5/2, जो कि ऑप्शन हमें डी यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, इसको टिक कर लीजिए। इफ द प्रॉपर लाइफ टाइम ऑफ पाई मेसान इज टाउ इजकल टू 2.5 माइक्रो सेकेंड, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द ब्रस्ट ऑफ पाई प्लस मेसान ट्रेवलिंग विद स्पीड 0.8c विल बी। सिंपली पहले टी निकाल लीजिए, टी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - b² / c² टी नॉट की वैल्यू 2.5 है रख दीजिए, अंडर रूट 1 - b की वैल्यू 0.8c है, इसको रख दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये अराउंड 4.16 माइक्रो सेकेंड के अराउंड आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या होती है आपको वेलोसिटी इंटू टाइम होती है, वेलोसिटी क्या है आपका, आपका सी हो जाएगा, टाइम कितना है 4.16 माइक्रो सेकेंड, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ m/s और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, सॉरी वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपकी 0.8c दी हुई है, एक मिनट, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 0.8 × 3 × 10⁸ और जो टाइम दिया हुआ आपका 4.16 दिया माइक्रो सेकेंड है, 4.16 × 10⁻⁶, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे आपको तो आंसर आएगा अराउंड 1000 मीटर, जो ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50 ग्राम बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी 10 m/s स्ट्राइक्स ए ब्लॉक ऑफ 950 ग्राम एट रेस्ट एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2017 या 18 का, इसको मैंने कराया हुआ, इसका राइट ऑप्शन 95% आता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एनर्जी करा के इसको निकाला हुआ था। आज मैं दूसरा तरीका बताता हूँ इस तरह क्वेश्चन को निकालने का। देखिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला याद रखते रहिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 m1 m2 / m1 - m2 × u1 - u2² × 1 - e² ठीक है, e क्या है कोफिशियंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है। ओके यहाँ पे क्या है कि फाइनली रेस्ट में आ जा रहा है, तो u2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 m1 m2 / m1 + m2 × u1² × 1 - e² ठीक है। और हम परसेंट इन काइनेटिक एनर्जी लॉस निकालें, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये किसके इक्वल होती है, ये होगी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन जो काइनेटिक एनर्जी आपकी इनिशियल है × 100। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसमें क्या करना है, अगर हमें लॉस निकालना है तो इस वाली इक्वेशन में आप सिंपली क्या कर दीजिए 1/2 m1 u1² से डिवाइड कर दिए, तो परसेंट लॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा निकल आएगा, और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो परसेंट लॉस कितना हो जाएगा आपका, परसेंट लॉस हो जाएगा आपका ये देखिए, इससे ये 1/2 m1 से ये u1² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका, आपका बचेगा याद रखिए रहिए, ये हो जाएगा m2 / m1 + m2 × कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन की यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, तो ये कोई लेना देना नहीं है आपको, सिंपली 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। m2 की वैल्यू कितनी है 950 ग्राम है, ये रख दीजिए, m1 कितना है 50 ग्राम है, ये 50 + 950 हो जाएगा ठीक है, × 100 कर दीजिए आप, इसको सॉल्व करके देखिए 1000 हो जाएगा ये, तो 10 times हो जाएगा, तो ये 95% आएगा। इस तरीके से भी एक फार्मूला है जिससे आप ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे आपका वो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिए। इफ़ एफ इज कंजर्वेटिव फोर्स देन, देखिए ये पेट क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार पूछा गया है जियो फिजिक्स या फिजिक्स में, तो आपको पता है कि इसका जो कर्ल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तब वो फोर्स क्या कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉडी इज रोटेटिंग विद ए कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इफ आर इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट फिक्स्ड इन द रोटेटिंग बॉडी देन द लीनियर वेलोसिटी वी ऑफ द पॉइंट इज गिवन बाय, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आती है v = ω/r, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन सारे आ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग. ओके, इफ द हाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज एच, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट रीचेज द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन. देखिए क्या कह रहा है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, सपोज कर लीजिए कुछ इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन है, मान लीजिए थीटा एंगल पे, ठीक है. तो यहाँ से इसकी जो हाइट है वो कितनी है, एच है, ये गिवेन है. यहाँ पे एक सिलेंडर है, वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है. रोल करते करते यहाँ पे क्या पहुँचेगा, फाइनल यहाँ पे पहुँचेगा. ओके, जब इनिशियल रोल कर रहा है तो उससे दो तरह का होगा, एक लीनियर मोशन होगा, एक रोटेशनल मोशन होगा. तो यहाँ पे बी की भी वैल्यू जीरो है, ओमेगा की भी वैल्यू जीरो है, ठीक है. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है. जब ये रोल करना शुरू करेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी. तो फाइनल हमें यहाँ पे क्या करना है, वेलोसिटी पता करनी है, ठीक है. तो आपको पता है कि जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होगी, एक काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में चेंज होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल में चेंज हो जाएगी, राइट. तो पोटेंशियल एनर्जी हमें सिंपली निकालना चाहिए, कितना हो जाएगा एम जी एच, ये कितना होगा 1/2 mv², और ये हो जाएगा 1/2 i ω² सिलेंडर के लिए i की वैल्यू कितनी हो जाती है, याद रखिएगा 1/2 mr² होती है. तो ये जो हो जाएगा आपका एम जी एच, वो किसके इक्वल होगा 1/2 mv² प्लस 1/2 i की वैल्यू रख दीजिए 1/2 mr² इंटू ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए v/r, तो v/r का होल स्क्वायर. सिंस v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, v/r आ जाएगी. तो इसको टिक कर लीजिए. तो ये हो जाएगा एम जी एच विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा mv² / 2, और ये 2 to 4, और ये r² से r² कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आपका mv² / 4. तो ये टोटल मिल के हो जाएंगे आपके 2d² 3d², तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/4 mv², ठीक है. m से m यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. तो gh की वैल्यू जो आएगी आपकी वो कितनी आएगी, 3/4 v², जिस इम्प्लाइड डेट v की वैल्यू आएगी √4/3 gh. ओके, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस तरह की कोई भी वैल्यू दे नहीं दी हुई है, तो एक बार इसको आप मैच कर लीजिएगा. मेरे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आनी चाहिए √4/3 gh, या इसको आप ये भी ले सकते हैं 2/√3 gh, ठीक है. इस तरह का कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग आंसर सही है. 86 देखिए, 86 में क्या कह रहा है, द बैंडविड्थ ऑफ ए सीरीज LCR रेजोनेंट सर्किट इज गिवन बाय. तो देखिए बैंडविड्थ ऑफ सीरीज LCR सर्किट निकालना है, तो हमें पता है कि ω2 - ω1 किसके इक्वल होता है, RL के इक्वल होता है. इसको लिख दीजिए 2π f2 - 2π f1 विल बी इक्वल टू RL. 2π कॉमन ले यहाँ से, ये हो जाएगा f2 - f1 विल बी इक्वल टू RL. f2 - f1 क्या होता है, बैंडविड्थ होता है, और 2π को इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 1/2πr/L. तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 87, इफ ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन इंडक्टेंस ऑफ 10 मिली हेनरी. देखिए E की वैल्यू दी हुई है 10 वोल्ट, L की वैल्यू दी हुई है 10 मिली हेनरी, कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है 0.05 μF, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 100 ओम. द चार्जिंग करंट इन द सर्किट, चार्जिंग करंट जो है सर्किट का वो बताना है हमें. ये LCR सर्किट है सिंपली, ये देखिए ये हो जाएगा आपका L, ये हो गया C, ये हो गया R, ठीक है. इसको सिंपली आप एक बैटरी से यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, LCR वैल्यू दी हुई है. तो आपको पता है कि जो जनरल इक्वेशन होता है, अगर हम EMF के लिए E के लिए इक्वेशन लिखे, तो ये हो जाएगा L d2q/dt² प्लस R dq/dt प्लस q/c विल बी इक्वल टू E. नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए आप, d2q/dt² प्लस R/L dq/dt प्लस 1/L q/c इज इक्वल टू E. इसको इस यहाँ पे सिंपली लिख लीजिए, ठीक है, और इसका जनरल इक्वेशन बना दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए इसको लिख सकते हैं आप d2q/dt² प्लस 2b dq/dt प्लस ω0² q - t L ω0² विल बी इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो है आपकी, सॉरी 2b की जो वैल्यू है वो है आपकी R/L, और ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1/LC. तो यहाँ से 2b की वैल्यू R/L है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको याद रखिए R/2L. तो R की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है 100 ओम, 2, और L की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 10 मिली हेनरी, तो 10 × 10⁻³ हेनरी, ये कितना हो जाएगा आपका 5 × 10⁻³, ठीक है, -3 नहीं 3. और ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/LC निकाल लीजिए, L की वैल्यू आपको दी हुई है 10 मिली हेनरी,
ये रख लीजिए 10 × 10⁻³ और सी की वैल्यू दी है 0.05 माइक्रो फैराड 10⁻⁶। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए जिसकी वैल्यू आएगी 2 × 10⁻⁹ आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि ओमेगा नॉट का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन B² है। तो ये कंडीशन कब होता है, जब वो सर्किट डैम्प्ड ऑसिलेटरी होता है। तो जो ऑप्शन सी है यहाँ आपका वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज इज वाइब्रेट विद अ सोनोमीटर वायर एंड 6 बीट पर सेकेंड आर हियर्ड। ओके, जो बीट फ्रीक्वेंसी है आपकी वो कितनी दी हुई है, 6 बीट पर सेकेंड दी हुई है। द बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस, यहाँ ध्यान दीजिएगा रिड्यूस हो जा रही फ्रीक्वेंसी व्हेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ सोनोमीटर इज स्लाइटली इंक्रीज। ओके, जब टी को इंक्रीज किया जा रहा है तो बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है। द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ सोनोमीटर, देखिए इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि कंसेप्ट क्या है कि जो अंडर रूट टी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एफ के होता है। ओके, मतलब जैसे जैसे टेंशन आप बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब टेंशन को बढ़ाया जा रहा है फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, रिड्यूस हो जा रही है। ठीक है, जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, सॉरी टेंशन को आप बढ़ा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, रिड्यूस हो जा रही है। और जो बीट फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी दी हुई है, 6 बीट पर सेकेंड दी हुई है। ठीक है, और ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो 512 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रही होगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रही होगी वो कितनी हो जाएगी, 512 - 6 डेट विल बी इक्वल टू 506 हर्ट्ज। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए, तो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 89 पे ध्यान दीजिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो वी टी की वैल्यू है वो क्या है, वी पी साइन ओमेगा टी है। देन द फोरियर सीरीज फॉर द आउटपुट एफ टी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर इज गिवन बाई। यहाँ पे एक चीज़ याद रखे रहिएगा कि ये जो वी टी इक्वल टू वी पी साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, आफ्टर रेक्टिफाइड इट विल बी इवन, याद रखे रहिएगा, रेक्टिफाइड के बाद ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इवन होने का मतलब ये है, ये भी जानते रहिएगा कि केवल और केवल ए नॉट और ए एन टर्म आएंगे, बी एन विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इवन होने के इसमें ए एन आपको पता है, निकाल लीजिए, ए एन की वैल्यू होती है 1/π 0 to π वी टी कॉस एन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। ठीक, यहाँ पे सिंपली आप निकाल लीजिए, जो भी वी टी की वैल्यू है आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वी टी की वैल्यू ये लिख दीजिए वी पी साइन ओमेगा टी और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैंने सॉल्व करके देखा हुआ है तो मैं डिटेल इतना नहीं लिख पाऊँगा यहाँ पे, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ये आपका आएगा जनरल -4 vp/π ((1)n²-1 जहाँ पे n होगा इवन, इसी की वैल्यू आ जाएगी 0 जब n होगा आपका ऑड। ठीक है, और सिंपली a नॉट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 vp/π। ठीक है, सिंपली आप फोरियर सीरीज लिख लीजिए, ft विल बी इक्वल टू a0/2 प्लस समेसन an cos n ओमेगा t। ठीक है, a0/2 का मतलब है कि आपका आ जाएगा 2 vp/π प्लस 2 vp/π माइनस, ये माइनस हो जाएगा 4 vp/π समेसन n इक्वल टू 1 3 5 ... 2 ∞ और ये आ जाएगा आपको cos n ओमेगा t अपॉन n²-1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ऑप्शन 4 आपको मैच कर रहा है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, n²-1 कर लेना है, ये मे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, तो इसको आप मैच कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, इन ए प्ले ग्राउंड देयर इज ए स्मॉल मेरी गो राउंड ऑफ रेडियस 4 मीटर एंड मास 12 kg, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए मेरी गो राउंड इज 3 मीटर, ए चाइल्ड ऑफ मास 3 kg रन्स एट ए स्पीड ऑफ 10 m/s टेंजेंट टू द रिम ऑफ द मरकरी, सॉरी रिम ऑफ द मेरी गो राउंड विच इज एट रेस्ट देन जंप्स ऑन इट, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मेरी गो राउंड एंड द चाइल्ड टुगेदर नेगलेक्टिंग द फ्रिक्शन। इस क्वेश्चन में इतना मेरी गो राउंड दिया हुआ है कि क्या बताया जाए। एनी वे चलिए देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इन ए प्ले ग्राउंड देयर इज स्मॉल मेरी गो राउंड ऑफ रेडियस 4 मीटर एंड मास 12 kg, जो जो गिवन है हम यहाँ पे लिख देते हैं, याद रखे रहिएगा mm कितना है 12 kg एंड आपका रेडियस जो है वो कितना है आपका 3 मीटर है और मास चाइल्ड का है, मैन का ये 12 kg, चाइल्ड को हो जाएगा आपका 3 kg और इसका जो रेडियस है आपका 4 मीटर है, इसको k मान लीजिए, चलिए k मान लीजिए, इसको आप r मान लीजिए। ठीक है, और सिंपली आप IC निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा MC चाइल्ड के लिए r² ये जगह 3 × 4 का होल स्क्वायर डेट मीन्स 48 kg m². ठीक है, और मैन के केस में देखें तो IM जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका mm k² ये हो जाएगा आपका 12 ×
पृथ्वी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा आपका 108 केजी मीटर स्क्वायर। के याद रखे रहेगा यहाँ पे, के रेडियस ऑफ जायरेशन है, ठीक है, के रेडियस ऑफ जायरेशन। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप लगा लीजिए तो एल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एफ हो जाएगा। डेट मीन एम सी, ये चाइल्ड के लिए एम सी बी सी आर विल बी इक्वल टू आई सी आई डब्ल्यू इंटू आई ओमेगा। ये कर लीजिए 3 × 10 × 4 विल बी इक्वल टू 48 प्लस 108 इंटू ओमेगा। दिस इम्प्लाई डेट ओमेगा विल बी इक्वल टू 3 × 10 × 4 अपॉन 156। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 0.77 आ जाएगा आपका, 0.77 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द कोरिलिसिस फोर्स। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है, इट इज द फिक्सिशियस फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग पार्टिकल इन यूनिफॉर्म ए यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। इट इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये भी सही है। इट इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, इट इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे क्या है आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट आपका क्या है, ऑप्शन सी है, तो इसको टिक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टू आइडेंटिकल स्ट्रेट वायर्स आर एट स्ट्रेस सो एज टू प्रोड्यूस 6 बीट्स पर सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड होगा, ओके। व्हेन वाइब्रेटिंग साइमल्टेनियसली ऑन चेंजिंग द टेंशन स्लाइटली इन वन ऑफ देम टू बीट फ्रीक्वेंसी रिमेंस अनचेंज। डिनोटिंग बाई टी वन टी टू द हायर एंड लोअर टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी वन हायर है टी टू लोअर है। इट कुड बी सेड दैट वाइल मेकिंग अबव चेंजेस इन टेंशन, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है F1 - F2 विल बी इक्वल टू 6, ठीक है, और T1 इज ग्रेटर देन T2 गिवन हुआ है। तो नाउ इफ यू चेंज द टेंशन इन वन ऑफ वायर टू गेट 6 बीट पर सेकेंड ओनली, द ओनली पॉसिबल रीजन इज दैट इफ वी डिक्रीज फ्रीक्वेंसी F1 आर डिक्रीजिंग टेंशन T1 आर इंक्रीज F2 बाई इंक्रीजिंग टेंशन T2। इन दोनों को या तो इंक्रीज कर दीजिए या तो F1 को आप क्या करिए डिक्रीज करिए और T1 को डिक्रीज करिए। यहाँ पे जो ऑप्शन T1 बाई डिक्रीज है वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आइडर डिक्रीज फ्रीक्वेंसी F1 अगर ये डिक्रीज कर दिए डिक्रीज होगा, या तो इसको बढ़ा के इसको बढ़ा दीजिए। तो हमें T1 के केस में देखना है, T2 डिक्रीज हो नहीं रहा, T2 इंक्रीज होगा तभी ये पॉसिबल है। तो T1 बाई डिक्रीज विल बी राइट ऑप्शन, इसको आप टिक कर लें। 93 देखिए क्या कह रहा है, ऑन प्लेसिंग अ थीन सीट ऑफ माइका ऑफ थिकनेस 12 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द टू इंटरफेरिंग बीम्स इन फ्रेजनल बाइफ्रिंग एक्सपेरिमेंट, इट इज फाउंड डेट द सेंट्रल फ्रिंजेस वाज शिफ्टेड बाई अ डिस्टेंस इक्वल टू द विड्थ ऑफ द ब्रिट ब्राइट फ्रिंजेस। इफ लैम्डा विल बी इक्वल टू 6 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर देन फाइंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द माइका। थिकनेस दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखे रहिएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो शिफ्ट क्या है, शिफ्ट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ब्राइट फ्रेम। दैट मीन्स आप लगा दीजिए लैम्डा डी बाई डी विल बी इक्वल टू μ − 1 dd/d, जनरल फार्मूला है। यहाँ से डी से डी कैंसिल आउट, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल आउट, तो म्यू की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी लैम्डा बाई टी प्लस वन, ओके। लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 6 × 10⁵ सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करिए। डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 × 10⁻⁷, वैसे दोनों सेंटीमीटर दी हुई थी तो आप इजीली उसको कर सकते थे। ये कितना हो जाएगा 0.5 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इफ यू यूज अ सोर्स ऑफ लाइट एमिटिंग टू वेवलेंथ लैम्डा 1 6000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा 2 4500 एंगस्ट्रॉम, देन इट इज फाउंड डैट द एनर डार्क रिंग ड्यू टू लैम्डा 1 कोइंसाइड विद n + 1 डार्क रिंग ड्यू टू लैम्डा 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया। तो हमें पता है कि dn स्क्वायर लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू 4nr λ1, ठीक है, और dn + 1 स्क्वायर लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 4n + 1r λ2। ये दो इक्वेशन बना दीजिए। गिवन क्या है कि dn स्क्वायर लैम्डा 1 इन कोइंसाइड विथ dn + 1 स्क्वायर λ2, ये कोइंसाइड करेगा, ये कितना जाएगा 4nr λ1 विल इक्वल टू 4n + 1r λ2। तो n के वैल्यू यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, ओके। तो n के वैल्यू आपकी आ जाएगी, n के वैल्यू करके देखिएगा, ये आएगी λ2 / λ1 - λ2। तो लेमडा 2 के वैल्यू है 4500 अपॉन, ये हो जाएगा 6000 - 4500, ये करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 4500, ये 1500, ये विल बी इक्वल टू
थ्री, तो ऑप्शन बी विल बी द आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वी विश टू यूज ए प्लेट ऑफ ग्लास म्यूजिकल टू 1.5 एज ए पोलराइजर, व्हाट मस्ट बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज। सिंपली लगा दीजिए म्यूजिकल टू क्या होता है आपका टेन आई पी, तो आई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन इनवर्स म्यू। ये कराया हुआ क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन याद रख रहिएगा, ठीक है। तो बी एच यू में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो आई पी की वैल्यू आएगी अराउंड 56.5 डिग्री आएगी, तो इसके आसपास 56.3 हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन जो ए है आपका वो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 96, द सोडियम सोर्स ऑफ लाइट हैज ए डबलेट हुज कंपोनेंट्स आर 5890 एंगस्ट्रॉम 5896 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इन ए ग्रेटिंग टू रिजॉल्व द डबलेट इन द फर्स्ट ऑर्डर ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम। ऑप्टिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए लैम्डा वन की वैल्यू दी है 5890 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा टू की वैल्यू दी है 5896 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और क्या दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हमें पता है कि रिजॉल्विंग पावर का जो फार्मूला होता है, रिजॉल्विंग पावर लैम्डा बाय डेल लैम्डा विल बी इक्वल टू एम एन, ओके। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी लैम्डा बाय डेल लैम्डा, तो लैम्डा को लिख दीजिए 5890 अपॉन 2, या डेल्टा लैम्डा हो जाएगा आपका 5896 माइनस 5890, ये अराउंड आ जाएगा 982 के अराउंड, जो ऑप्शन सी आपको मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, इसको टिक कर लें। 97 देखिए क्या कह रहा है, ए बीम ऑफ लाइट इज एनालाइज्ड बाय ए निकोल प्रिज्म आफ्टर पासिंग थ्रू अ क्वार्टर वेव प्लेट, टू पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड टू पोजीशन ऑफ जीरो इंटेंसिटी आर फॉर्म ऑन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ निकोल प्रिज्म द लाइट इज, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, इसमें क्या होता है सर्कुलरली पोलराइज लाइट होती है, तो इसको आप देख लीजिएगा। 98 कह रहा है, इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, याद रखिएगा बहुत से स्टूडेंट इसको रॉन्ग करके आ जाते हैं, जैसा कि मैंने टेस्ट लिया था उसमें मैंने फॉल्स पूछा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ट्रू लग गया। ये क्वेश्चन आपको पढ़ने लायक है, इंडिकेट फॉल्स स्टेटमेंट हमें इंडिकेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा इट इंक्रीज विद द ग्रेटिंग एलिमेंट, जो ऑप्शन बी होगा आपको वो फॉल्स है, इसको टिक कर लीजिए। आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इन माइकल्सन इंटरफेरोमीटर लाइट फ्रिंजेज आर फाउंड, इट इज फाउंडेड ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए ग्लास प्लेट म्यूजिकल टू 1.5 ऑफ थिकनेस 0.5 मिलीमीटर, द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट बाय व्हाट डिस्टेंस द मिरर M1 मस्ट बी मूव टू ब्रिंग द सेंट्रल डार्क फ्रिंज टू इट्स इनिशियल पोजिशन ऑन द क्रॉस वायर। देखिए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, म्यू की वैल्यू है आपको 1.5 और थिकनेस कितनी दी हुई है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। सिंपली फार्मूला लगा दीजिए कि सपोज कर लीजिए कि एल डिस्टेंस हमें क्या कराना पड़ रहा है, मिरर को मूव कराना पड़ रहा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1 टी विल बी इक्वल टू एल, तो यहाँ पे हमें एल निकालना है, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 1.5 माइनस 1 इंटू 0.5, सब मिलीमीटर में दिया उसने मैंने चेंज नहीं किया, तो एल की वैल्यू आएगी आपकी 0.25 मिलीमीटर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो हो जाएगा आपका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज की वीडियो समाप्त होती है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और जो भी आपको सलूशन लगता है कि रॉन्ग है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल या टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।